नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश के कानपुर के आर्य नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के एमएलए वाजपेयी धरने पर बैठे। इस दौरान वे अर्ध नग्न अवस्था में सीवर से पानी निकालते हुए देखे गए। आपको बता दें, गुलागंज क्षेत्र में कई दिनों से हो रही सीवर भराव और पेय जल में गंदे पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों द्वारा समाधान न करवाने पर आज खुद एमएलए अमिताभ वाजपेयी धरने पर बैठ गए। वे गटर से खुद अर्धनग्न अवस्था में गंदा पानी निकालने लगे। साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता ने पीएम के आगमन की पूर्व संध्या पर धरना प्रदर्शन से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं और जनता ने सीएम योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप देखें क्या कह रहे हैं भाजपा के एमएलए। पिछले दो महीने डेढ़ महीने से हम लोग लगातार जो समस्या है पीने के पानी के वस्तुदार सीवर का पानी आ रहा है उसके बारे में अवगत करा रहे हैं। ये बताया जाता है कि साहब सीवर की मेल लाइन चौक है, इसलिए पानी आ रहा है। आज ये हमने पिछले महीने की 16 तारीख को जलकल और जल निगम के साथ में जब उनको कई बार बताने के बाद हमने निकला तो दोनों विभागों के अधिकारियों को बुला के ज्वाइंट सर्वे किया था और ये तय हुआ था कि जल निगम के लोग सीवर लाइन को साफ करेंगे। 16 तारीख है और 7 तारीख हो गई, इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेके भी हमने कई दिन से उनको अल्टीमेटम दे रखा था, यदि ठोस कार्रवाई हमको नहीं बताई तो हम मजबूरन प्रदर्शन करेंगे। पर आज भी सुबह से कह रखा है और मैं 2 बजे से धरने पर बैठा हूँ। मैंने कहा था कि 4 बजे का नहीं आया तो जो बन सकेगा मैं उतना मलवा इससे निकालने का काम करूँगा। और आपकी शर्मी देखिए सरकार की, विधायक सड़क पर बैठा है 2 घंटे से लेकिन कोई अधिकारी उसने नहीं आया। आखिर मजबूर होकर हम लोगों ने सीवर को स्वयं साफ करने का निर्णय लिया है। अब जो बन पड़ेगा हम करेंगे। इस नाकारा और पेशवर सरकार से लोग कोई उम्मीद नहीं। अगर जलकल के अधिकारी जो मांगे पूरी नहीं, उसके बाद क्या हम धरना आंदोलन जारी रहेगा? हम अपना काम जो कर रहे हैं तो करते रहेंगे। हम तो कपड़े उतार चुके हैं, तो हमने काम शुरू कर ही दिया। अब जो कर सके, अगर हमारा जो मेरी क्षमता है उतना हम अपना काम स्वयं करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।